आपको बताते चले कि अलग अलग मुद्दों पर नेताओं का पारा लगातार हाई रहा। संसद की हम बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात हुई संसद भवन के भीतर, लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच आपस में कैसे ठन गई, आइए पहले सुनाते हैं गहमा गहमी के कुछ हिस्से। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम। RG1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता, अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं। आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं, आप यहाँ पे ओबीसी की बात करते हो सर। वैसे आपको बताते चले, इसके पहले अग्निवीर को लेकर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच तीखी बहस हो गई। अखिलेश यादव सरकार को अग्निवीर के मुद्दे पर घेर रहे थे, अनुराग ठाकुर उसी समय कुछ सवाल पूछने लगे। देखिए, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए राहुल गांधी जी के साथ, अब वाहें बुलाने का झूठ बोलने की आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए। शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। लोकसभा के भीतर आज क्या हुआ उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। वैसे एक दिन पहले राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने उपसभापति से अपने नाम को लेकर नाराजगी जताई थी। आज जया बच्चन के नाराजगी पर स्पीकर जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया है, मगर धनखड़ के जवाब से पहले जया बच्चन का वो बयान सुनाते हैं आपको। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता, यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट